हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रन टिल डेथ। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम तेजस्वी शंकर के बारे में बात करेंगे। समहाउ तेजस्वी शंकर इंडिया के स्क्वाड में तो आ गए थे, बट वो उनको मिस करना पड़ेगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि बर्मिंगम में हो रहे हैं फ्रॉम 28 जुलाई। उसका रीज़न मैं फ्रेंड्स इस वीडियो में बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। सो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि तेजस्विन शंकर ने अपील किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, और वो चाहते थे कि उनका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स की स्क्वाड में रहे, बिकॉज उन्होंने क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड अचीव कर लिया था इन द NCAA एथलेटिक चैम्पियनशिप जो कि USA में हुए थे। तो फ्रेंड्स, बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि AFI उसको इंक्लूड करे, और वो AFI इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से अपील की थी और उसमें सक्सेसफुल भी रही AFI। बट आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब एथलेटिक फेडरेशन ने अपना टीम अनाउंस किया और उसके अंदर तेजस्वी शंकर को रखा, और वो नाम जब कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को भेजा तो उसने रिजेक्ट कर दिया। एक दिन बाद ही रिजेक्ट कर दिया, मतलब 5 जुलाई जो कि ट्यूसडे था, उस दिन उन्होंने भेजा था तेजस्वी शंकर का एंट्री, और वेडनेसडे नाइट को मतलब 6 जुलाई को रिजेक्ट होके आ गया, बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम्स वर्किंग कमिटी है वो तेजस्वी शंकर का नाम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमारे जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता, वो बोलते हैं कि वी हैड सेंट तेजस्वी's name yesterday, but we received a response last night from the Commonwealth Games organizer that his name was not accepted, he said. So friends, अब मैं इसका reason बताता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ because friends, AFI ने आरोक्य राजीव को 36 मेंबर की जो स्कोर थे उसमें से निकाल दिया, because वो अनफिट रह रहे थे, वो सूटेबल नहीं थे कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन में 4x400 meter भागने लायक। तो फ्रेंड्स, रूल्स ऐसा कहती है कि अगर हम किसी एथलीट का नाम विड्रॉ कर रहे हैं वो स्क्वाड से, तो उसका लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होगा। मतलब अगर वो रिले इवेंट कर रहा है तो रिले ही आप करा सकते हो, फील्ड इवेंट कर रहा है तो आप उसका इवेंट चेंज नहीं कर सकते हो। यही हाई जंपर है तेजस्वी शंकर, और उसको हम लोग रिले भाग रहे एथलीट उसके अगेंस्ट हम लोग रिप्लेस कर रहे। तो फ्रेंड्स, ये रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजर्स ने तेजस्वी शंकर का नाम वापस भेज दिया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। फ्रेंड्स, ये आपके सामने आप देख सकते हैं तेजस्वी शंकर का ऑन July 6 उनका कहते हैं वो सबको थैंक्स बोल रहे थे, बिकॉज हम लोग ने 3 वीक से लगातार उनके लिए बहुत ही ट्राई किया कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स स्क्वाड में आए, और वो बहुत ही अपना खुशी जाहिर कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन देन पुट अ थम्स अप एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। वी ऑल हैव बीन वॉचिंग तेजस्वी शंकर सिंस मेनी टाइम्स, एंड इट हैज़ बीन 2 to 3 years I have been following him. It was badly news for me to hear that he is not in the Commonwealth Games squad, as he is a good friend of Neeraj Chopra. So guys, keep watching Run Till Death as always.